वेरी गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास बेटा, हम लोग अपना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। थर्ड जो क्वेश्चन है उसको समझने से पहले आप रिकॉल कर लीजिए आपका चैप्टर का नाम क्या है, सफारी एंड एडवेंचर। ओके, तो आपको आज क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझा देती हूँ, आपको लर्न हो जाना चाहिए। ओके, व्हाई इज मॉडर्न सफारी ऑल्सो सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्नी। मतलब जैसे पढ़ते आ रहे हैं, जो सफारी वर्ड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले सफारी से मतलब था केवल हंटिंग करना, और अब जो आज के प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो सफारी का मतलब है जो सफारी कंपनीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं कि आपकी जब हॉलीडेज होते हैं आप आराम से घूमिए फिरिए, आप हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं सिवाय हंटिंग के। आप वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं बिल्कुल अपने जैसे इंजॉयमेंट होता है। आप हंटिंग ना कीजिए और उनका हर चीज़ का लुत्फ़ उठाइए जो आप चाहते हैं। देख लेते हैं, मॉडर्न सफारी इज नॉट अ हंटिंग ट्रिप नाउ। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मॉडर्न सफारी मतलब पहले जो सफारी था उसका मतलब था जर्नी फॉर हंटिंग, लेकिन आज के टाइम पे इट इज नॉट अ हंटिंग ट्रिप नाउ। अब ये हंटिंग ट्रिप नहीं रही। सफारीज हैव लार्जली डेवलप इनटू हॉलीडेज ट्रिप। जो सफारी है, जो सफारी कंपनी प्रोवाइड करती है, या जो डेवलपमेंट इसका हो चुका है, उसका मतलब है कि वो हॉलीडेज ट्रिप में कन्वर्ट हो गई हैं। बच्चे हों बड़े हों, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अपने एडवेंचर ट्रिप चले जाते हैं। दैट एक्चुअली बेनिफिट, जो कि फ़ायदेमंद हो गया है किस चीज़ के लिए, द वाइल्ड लाइफ ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य अभयारण्य वगैरह होती हैं उसकी वाइल्ड लाइफ से मतलब क्या हो जाता है, पेड़ पौधे हों चाहे वो कोई जानवर हो, कोई भी चीज़ है वो वाइल्ड लाइफ में आती है। तो वाइल्ड लाइफ कहाँ भी बेनिफिट हो रहा है, अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ को फ़ायदा हो रहा है किस चीज़ में, जबकि वो हॉलीडे ट्रिप हो गए। अब कैसे हो सकते हैं आप बताइए। सपोज़ हम कहीं जाते हैं, सपोज़ हमें कोई मेले में जाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, झूले वगैरह झूलते हैं। झूला तो झूलने को मिलता है, लेकिन कितने सारे लोग झूला झूलते हैं और उसके लिए पे करते हैं। जो पे करते हैं तो वो उनके लिए कलेक्शन होता जाता है और उनको बेनिफिट होता है। सेम यहीं पे जब सफारीज में एडवेंचर के लिए या फिर लोग जर्नी घूमने भी जाते हैं या कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सफारी कंपनी से को रुपए देते हैं, जमा करते हैं और उसके बाद वो उसका लुत्फ़ उठाते हैं। तो क्या हो जाता है, वहाँ पे जो कलेक्शन होता है वो किस चीज़ में फ़ायदा करता है, बाय सपोर्टिंग लोकल कंजर्वेशन। उनके पास जो कलेक्शन हो जाता है तो वो उससे वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एफर्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो मतलब कंजर्वेशन जो एफर्ट होते हैं वो हो जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए इसका कलेक्शन हो जाता है, एज अपोज टू हंटिंग। दूसरी तरफ क्या, जी हॉलीडेज ट्रिप बन गया है तो अब क्या अपोज करते हैं, मना करते हैं टू हंटिंग, हंटिंग करने के लिए द एनिमल्स, एनिमल्स को मतलब मार नहीं सकते हैं। विजिटर्स गेट टू एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब ये नहीं है कि मार देना, एनकाउंटर का मतलब होता है फेस टू फेस, यानी कि विजिटर्स क्या करते हैं उन लोग से मिल सकते हैं, किसी वाइल्ड एनिमल्स से, एंड हेल्प मेक अ डिफरेंस। अब जो उनकी हेल्प होती है जो डिफरेंट टाइप में आ जाती है, इन प्रोटेक्टिंग द स्पीसीज, जो विलुप्त होते हुए प्राणी होते हैं, विलुप्त होती है एनिमल्स होते हैं उनके लिए प्रोटेक्टिंग का काम करती है एक सफारी कंपनीज। आइदर एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और हेल्प जनरेट टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब क्या हो गया, टूरिज्म का मतलब हो गया जो सफारी कंपनीज हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में, और किस तरह से लोग जब जाते हैं तो उसके लिए जो कलेक्शन मिल जाता है तो वो उन यहाँ पे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं और हेल्प करते हैं उन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ में जो मीन्स अफ्रीका की जो वाइल्ड लाइफ है उसको पूरी तरह से ये कवर करते जाते हैं। रेवेन्यू विच इज़ यूज टू मैनेज वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एंड गेम रिजर्व। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो कंपनी है उन्हें रेवेन्यू जो मिलता है, यानी रेवेन्यू क्या होता है, जो गवर्नमेंट के पास रुपये कलेक्शन होता है रुपये का, उसको रेवेन्यू कहा जाता है। जैसे अपन लोग कहीं ट्रिप पर जाते हैं या कहीं जो हम लोग रुपए दिया जाता है उसका कलेक्शन होता जाता है, और वो रुपए इकट्ठा होकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं जिनको बोलते हैं वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य से मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, ऐसा एरिया हो जाता है जहाँ पे लोग जा तो सकते हैं, हर चीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं, लेकिन कोई अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, वहाँ पर हंटिंग नहीं हो सकती। अगर हंटिंग होती भी तो बहुत रिजर्व तरीके से होती है, जहाँ पे इंजॉयमेंट पूरा होता है लेकिन किसी को हानि नहीं होती, किसी को मतलब कोई भी एनिमल्स को हानि नहीं होती। आई थिंक समय आ गया होगा, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। मॉडर्न सफारी इज नॉट अ हंटिंग ट्रिप नाउ, सफारीज हैव लार्जली डेवलप्ड इनटू हॉलीडे ट्रिप दैट एक्चुअली बेनिफिट द वाइल्ड लाइफ ऑफ अफ्रीका बाय सपोर्टिंग लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। As opposed to hunting the animals, visitors get to encounter them and
help make a difference in protecting the species. Safari companies either actively contribute toward conservation project or help generate tourism. Tourism revenue, which is used to manage wildlife project and game reserves. Okay? समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिए, और कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए. ओके, थैंक यू.